अब कल्पना कीजिए कि अगर किसी छोटे बच्चे को स्कालपेल या चाकू लगा के उसका ऑपरेशन करना है तो सुन के कैसी सीरम दौड़ जाती है, डर लगता है। और अगर वो बच्चा नवजात शिशु हो या प्रीतम हो जिसने पूरे 9 महीने भी नहीं किए, अगर उसके ऑपरेशन की बात आई तो ये इतना हिम्मत का काम सिर्फ पीडियाट्रिक सर्जन कर सकता है, और इस बारे में ज्यादा जानकारी डॉक्टर उषा जी गजबी देंगी। नमस्कार। मैं आप लोगों को पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में ये बताऊंगी कि जन्म से लेके 19 साल तक के सारे जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है वो पीडियाट्रिक सर्जरी में ठीक किए जाते हैं। जन्म से बच्चों को कुछ जैसे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेटरिन की जगह नहीं होना, सांस की नली खाने की नली से जुड़ी होना, पेट की आंतड़ी पूरी तरह से बनी नहीं होना या ब्लॉक होना, साथ ही में कभी कभार जो अपना डायफ्राम रहता है, छाती का पेट और छाती के बीच में जो पर्दा रहता है उसमें छेद रहता है और उसके कारण पेट के अंदर की आंतड़ी जो है पेट से लेके छाती में जाती है। तो ये जन्म से ही होने वाली प्रॉब्लम्स है, इसका इलाज किया जाता है। उसके अलावा थोड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद में जो भी पेट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, छाती के प्रॉब्लम्स रहते हैं, हर्निया, हाइड्रोसील, हाइपोस्पिडिया, तो इसमें बहुत सारे सब डिविजन्स भी होते हैं। जैसे बच्चों की यूरोलॉजी सर्जरी होती है, बच्चों की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है जिसमें हाइपोस्पिडिया वगैरह आता है, बच्चों की जनरल सर्जरी होती है और बच्चों की न्योनेटल सर्जरी होती है, और कुछ ब्रेन के सर्जरीज भी जैसे वीपी शंट वगैरह, हम लोग जो बच्चों के सर में पानी जमा हो जाता है जन्म से ही, तो ये सारी सर्जरीज पीडियाट्रिक सर्जरी में इंक्लूड होती है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि हमारा अगर 2 साल का बच्चा है, कुछ खाते खाते उसके सांस की नली में मटर का दाना, फली का दाना चले गया, अचानक से उसकी सांस रुक गई है, हाथ पांव नीले पड़ गए, वो एकदम बेहोश हो रहा है। ऐसे समय में डॉक्टर उषा जी गजबी ही उसकी जान बचा सकती है, जब उसको वो फॉरेन बॉडी जो अंदर गई है उसको निकाल सकते। तो ये महत्व पीडियाट्रिक सर्जन का है।